अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनीस व्लॉग। अच्छा जी, गाड़ी से जो है सुबह सुबह आज शुरू करते हैं व्लॉग। कल मैं गई थी इम्तियाज़, में से कुछ चीज़ें लेके आई थी, लेकिन वो ग्रॉसरी मैंने शेयर नहीं की। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरे हैंड बैग में थी, वो भी मौजूद है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कल ये जो है डॉक्टर रशील का ये सीरम जो है ना, वाइटमिन सी फेशियल क्लिनजिंग ब्राइटनिंग जो है ये सीरम है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये तमाम बिक गए थे। वहाँ पे सेल्स गर्ल से मैंने इसका रिव्यू लिया तो वो कह रही थी कि दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट, तब बाकी सब से सेल हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं। इसका रिव्यू अभी तो मैं नहीं दे सकती कि क्या है कैसा है, जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो फिर ही मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि भाई ये सीरम कैसा। और ये मेरे ख्याल से 900 या 1000 रुपए का है, इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को बता दूँ। लेकिन अभी देखें कि इसके क्या रिजल्ट्स स्किन पे निकलते हैं, क्योंकि धूप में निकलने की वजह से स्किन जो है ना ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं चलो कोई सीरम ले लेती हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं खरीदा कोई सीरम, तो अभी इसको मैं यूज़ करके फिर इसके जो है मैं रिज़ल्ट बताऊँगी आप लोगों को। शदीद है, मैं गाड़ी स्टार्ट करके बैठी हूँ ताकि एसी चलता रहे तो कुछ सुकून रहे। अच्छा जी, इसको मैं क्लोज करके इसका कुछ आपको दिखाती हूँ डिटेल कि क्या है ये प्रोडक्ट, और इसको ओपन करते हैं कि किस किस्म की बॉटल है ये, क्या है इसके अंदर। एक हाथ में मेरे कैमरा, एक से जो है मैं ओपन कर रही हूँ। चलें देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, कुछ इस तरह की जो है फेशियल क्लिंजर निकल आया है अंदर से, ठीक है। और मैं अभी इसको अप्लाई करूंगी फेस पे, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बड़ी मेहनत और कष्ट के बाद जो है ना मैंने मेथी चुन ली है, और एक ज़माने बाद मैं मेथी बना रही हूँ। नहीं नहीं, रही 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 टॉप दे देखो। अच्छा जी, ये देखें मेथी मैंने चुन ली है, और ये थक गई लेकिन मेथी चुन चुन मैंने इसको दिखा दे। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसे ये हड्डिया को दिखाना है, बस ये मेथी मैंने चुन ली है। मेथी में जो है ना इसमें मैं डाल रही हूँ, मसाला बना लिया था मैंने, लहसुन अदरक पाउडर, प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको ना हल्की आंच में पकने के लिए चढ़ा के मसाला सा बना के रख लूँगी। फिर बाद में मेरा दिल चाहा तो आलू, या फिर मैं इसमें जो है क्या कहते हैं चिकन डाल लूँगी। तो मेथी का एक मसाला जो है ना मेरे पास रेडी हो जाएगा, ये दिखा दो जरा यहाँ बनाते हुए। अच्छा ठीक है, ये मैं इसको हल्की आँच पर, इसमें मैं अभी योगर्ट भी डाल के और फिर जो है मैं रख लूँगी। अच्छा, योगर्ट दिखा दो, ये दिखा दो ना ज़रा। हाँ, ये दही मैं खोल रही हूँ, दही भी थोड़ा इसमें ऐड करके ना तो मसाला बना के फिर मैं रख दूंगी मेथी का, क्योंकि और वैसे आप मेथी नहीं रख सकते, फ्रिज में मेथी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से मसाला बन की फॉर्म में बना के आप फ्रीज कर देना, और अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर तो आप आलू का सालन बना के ऊपर से ये, या आलू बॉईल करके इस सालन में ऐड कर लें, चिकन बॉईल करके गर्म मसाले नमक के साथ इसमें ऐड कर लें, तो मेथी चिकन बन जाएगा, मेथी आलू। वैसे जो है ना आप मेथी को नहीं रख सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके और इसको जो है ना मैं ढक दूंगी। ये तो हो गया जी मेथी का काम। इसके बाद आ जाते हैं, ये ऑल पर्स के पाउच में लेके आई हुई थी, तो ये मैं खोल खोल के इसमें जो है ना ये वाले लेके आई हूँ। मैं तो ही ढको तो ही खोल खोल के जो है ना मैं अब इसमें जो है ना जग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल एसी की चाय पी रही हूँ, वो गर्म तो मिल नहीं रहा आपको पता है, तो मुझे जो है ना एसी की चाय पीनी पड़ रही है। तो मैं अभी खोल खोल के पाउचेज जो है ना ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
जग में। तो इसी में से बस चाय के टाइम जो है ना जग में से बस थोड़ा सा मिल्क ले लेती हूँ और चाय जो है ना रेडी हो जाती है। अच्छा जी, चिकन के मैं ना बड़ी बड़ी बोटियाँ बनवा के इम्तियाज से ले आई थी, क्योंकि मुझे छोटी बोटी का सालन नहीं पसंद। तो वो बोटियाँ जो है ना मैंने ले ली हैं, मैं हांडी में ऑयल डालने लगी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है? थोड़ा सा जितना सालन के लिए दरकार है आप ऑयल ले लें, ठीक है? अच्छा, ऑयल लेने के बाद जो है ये चिकन को देख लें, मैंने मसाला लगाया है, लगाने लगी हूँ, बल्कि इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सालन मसाला एक जोड़िया बाजार से लाई थी मैं, मैंने वो डाला है, लहसुन अदरक पाउडर डाला है, और जो है अब मैं इसको जो है ना हंडिया में डालने लगी हूँ। आपके पास पाउडर नहीं है, यू कैन ऐड द फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है? अच्छा जी, हल्की आँच पे इसको हल्का सा तलेंगे हम, फिर बाकी मसाले डालेंगे इस मसाले के साथ ग्रेवी को। बस इतना तलेंगे कि ज़रा सा कलर चेंज हो जाए, जलने नहीं देंगे हम मसाले, ठीक है? सारा मसाला ये हमने डाल दिया, क्लोज ले लो, बिल्कुल क्लोज लेके एक शॉट दिखाओ, ठीक है? अच्छा, ये भुन रहा है, भुनने के साथ साथ ये मैंने थोड़ी सी दिखा दो, ये थोड़ा सा इसमें जो है ना कबाब चीनी के दो तीन दाने और काली मिर्चें मैंने कूट के रखी हुई है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, बस रफली कूटा है, सॉरी मैंने, बस अभी मैं जल्दी में थी, आई वाज टायर्ड। अच्छा जी, ये जब तक फ्राई हो रहे हैं साथ साथ चाय भी चलती है, वरना तो काम होता नहीं है। हल्की सी फ्राइंग करके फिर मैं इसमें योगर्ट डाल के और हल्की आंच पर गलने रखूंगी, एक हरी मिर्च डाल के बंद कर दो। अच्छा जी, हंडिया में ना हंडिया को मैंने भून लिया, वो जितने मसालों के साथ मैंने ऐड किया था, ठीक है? थोड़ा पानी मैंने डाला था ताकि इसको जो है ना मसाला लगना जाए, ठीक है? जहाँ तक प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था, क्लोज ले लो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब मुझे दो, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, वी विल डू, आपके पास ताज़ी है, आप में हिम्मत है, आप ताज़ी प्याज ब्राउन करके डालें, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे पास यही अवेलेबल है, मैं यही ब्राउन प्याज थोड़ी सी इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है? क्लोज आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आप इसमें सालों में एक हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, पत्ते के तरह आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, और ये योगर्ट, थोड़ा सा योगर्ट भी जाएगा, ठीक है? अब मसाले को भूनना है आपने, पानी खुश करके, और भूनने के बाद जो है ना उसको पकने के लिए रखना, थोड़ा सा पानी है खुश्क हो जाएगा और भुनाई होगी अभी हंडिया की। अच्छा ठीक है, हंडिया की थोड़ी सी भुनाई करके खुश्क करके थोड़ी भुन जाए मसाला, फिर हम पानी डाल के और इसको अच्छे से उबलने के लिए रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर मूड आप जो है जो टेस्ट जो है आप शोरबा आप रख लेंगे। ज़रा सा बस ये मसाले में डाल दूँ, जब ये पक के रेडी हो जाए ग्रेवी आपकी, तो फिर लास्ट में आपको रियंडर इस पर जो है ना ऊपर से छिड़केंगे, गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे, और आपका दिल चाहे तो काली मिर्च पाउडर और ना डालने का कोरिएंडर और गरम मसाले के साथ। बस अब इसको भून के ढक्कन लगा के हल्की आंच पे मैं गलने रखूँ। अच्छा जी, हंडिया की अब फाइनल लुक चेक कर लेते हैं, काफ़ी देर से गल रहा है सारा गोश्त। अच्छा, इसको अगर आप योगर्ट के साथ साथ इसमें अगर आपका मूड है तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम इसमें सालन जो है ना ये तकरीबन रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शक्ल है, मैंने हल्का सा शोरबा रखा है क्योंकि इस तरह का सालन ज़रा शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसको बस थोड़ी देर और रखूँगी ज़रा सा गाढ़ा करके, तकरीबन ये रेडी है। और इसके बाद लास्ट में जो है हम गैस पे हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना ये डालेंगे। हरी मिर्च तो मैंने इसमें जो है ये ऐड कर दी हैं, हरी मिर्चें, ठीक है? हरा धनिया भी मैं अभी इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है? मिर्चा तो चली गई इसमें एज़ यू कैन सी, और अब ये मैं हरा धनिया भी इसमें हंडिया में जो है ऐड कर रही हूँ, और ऊपर से अभी मैं थोड़ा सा गरम मसाला फ्रेशली कूट के ना थोड़ा सा वो भी डालती हूँ। बहुत ही टेस्टी हमारी ये जो है हंडिया जो है मुर्गी का सालन जो है। अच्छा, मैंने जो मुर्गी का मसाला डाला है मैंने जोड़िया बाज़ार से खुला ख़रीदा था, डब्बों वालों से मेरा दिल भर गया तो मैं खुला लेके आई थी। आपके पास जो भी सालन मसाला हो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर से इसकी फाइनल लुक है। बस अब मैं इस पर गर्म मसाला थोड़ा सा, आपके पास पिसा हुआ तो आप वो डाल लें, मैं फ्रेश कूट के डालूँगी थोड़ा सा। अच्छा
माशाल्लाह माशाल्लाह चिकन हमारी जो है मज़ेदार सी जो है रेडी हो गई है।